सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम जवान हैं तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले। जब जवानी में मन थोड़ा सा पैसे में लगता है ना, तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब लगता है कि नाना अभी ही तो समय है कमाने का। तो बुढ़ापा भी फिर पैसों में लगता है। पर पैसा कमाते 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 जवानी गुजर गई, आधे से ज्यादा बुढ़ापा गुजर गया। अभी समझ में नहीं आ रहा किसी को, आखिरी में समझ में आएगा कि ये जो तुमने कमाया है ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है ना। किसी काम का नहीं है। एक विद्यार्थी से गुरुजी ने कहा, बेटा एक पुस्तक होती है लघु सिद्धांत कौमुदी, अर्थात व्याकरण पढ़ने की बुक होती है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा इसे घोंट घोंट कर पी जाओ। इसका अर्थ यह था कि इसे याद कर लो, रट लो। विद्यार्थी को लगा गुरुजी ने कहा घोंट घोंट कर पीना है, तो उसने फुला दिया रात को, सवेरे मिक्सी में पीस लिया और धीरे धीरे दूध में डाल डाल के पी गया। गुरुजी कहे, पुस्तक? बोले, पेट में। आपने बोला था घोंट घोंट के पी जाओ, पी गए। तो जैसे उस बच्चे ने पुस्तक को घोंट घोंट के पी लिया, इसका कोई अर्थ निकला? उसी प्रकार तुमने घोंट घोंट के खूब पैसे कमाए हैं, पर बुढ़ापे में जब पलट कर देखोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं। तुमने जो पुण्य किया है बस वही तुम्हारे साथ है। जो तुमने याद कर लिया बेटा, तुमने जो घोंट कर पी लिया उसका अर्थ नहीं है। तुमने उसके जो शब्द याद कर लिए वो तुम्हारे हैं। तो तुमने याद कितना किया वो काम का है, हा? पी लिया पूरा उस, वो काम का नहीं है। बस जो तुमने दान पुण्य अच्छे कर्म कर लिए, सेवा कर ली, वो तुम्हारी है। और जो तुम पैसे तिजोरी में बंद करते रहे वो तो कल कोई और खाने वाला है।